चाइना वालों को भी पता नहीं क्या शौक था चमगादड़ का सूप पीना था, है? इनके चमगादड़ के सूप के कारण हमारा रायता फैला हुआ है घर में, शांति नहीं है, सुकून ही नहीं है। और ये जो वीडियो है ना, हर एक इंसान, हर एक औरत जो है रिलेट करेगी। सुनो क्या क्या करते हैं मेरे घर वाले, क्या हालत हो गई है मेरी। जे है स्नो, ना इसको नमस्ते करते आता, बिल्कुल तमीज नहीं है इसको, बहुत बदतमीज है, क्या बताएं। हमारी लड़की को शौक था ले आए, शौक बस है, पाल तो हम ही रहे हैं, हमारे पीछे पीछे घूमता रहता, अभी देखो कैसा बैठा। इसको सिर्फ खाना चाटना, हगना और मूतना आता है, बस खाना तो अपना खा लेता है, बट उसके ऊपर भी इसको चाहिए चादर, चप्पल, पौधे। हमारा पूरा जिंदगी तो बर्बाद हो ही गया था, इस कुत्ते ने आके हमारा घर भी बर्बाद। लेकिन ठीक है, क्या करेगा बेचारा, इस लॉकडाउन में बोरे आ गया है, अजीब अजीब हरकतें करता है, नहीं दीवार को बैठ के खोदेगा, पता नहीं जैसे हमारे अपार्टमेंट में क्या खजाना गड़ा हुआ, कुछ नहीं तो गोल गोल घूम घूम के अपनी पूंछ को ही पकड़ेगा। अभी देखो कैसा बोरे आ रहा, देखो पता नहीं उसको क्या, कुछ नहीं हड्डी रखे हैं ताकि कैमरा में थोड़ा रख लेना, अच्छा लगता है जी। और जो हमारी लड़की, भैया कम मत समझना उसको, बहुत तेज है, दिन भर एक तो वीडियो बनाती रहेगी। आजा तुझे आसमान में ले चलूं, चांद को उसकी औकात दिखाने, मेरी महबूब। चाइना वालों ने वैसे ही जीना हराम किया है, उनको तो टिकटॉक वीडियो बनाना है, जबरदस्ती चाइना वालों को काय को इतना पैसा देना दे कि उनको कमाई दिलवाना है, ये सब वीडियो वीडियो डाल के मत डालो, बंद कर दो, बैन कर दो, जीवन से हटा दो टिकटॉक, वैसे ही पनौती है। और तो और वो भी आप जैसे जितने बैठे हैं ना, जो अभी लॉकडाउन में मास्टर शेफ बने बैठे, वो भी सोशल मीडिया पे मास्टर शेफ नहीं बनी हुई है, पर असलियत पता क्या है, असलियत उसकी ये है कि खाना हम बनाते हैं और सोशल मीडिया में फोटो वोटो डाल के वो वाहवाही लूटती है, ये नहीं कि कभी बताए कि देखो मम्मी ने बनाया, हमारी तो इज्जत ही नहीं है इसका, मैं क्या बताऊं। और ये थोड़ा नमक, गाइस मैंने आज छोले बनाए हैं, ये लॉकडाउन में फुल शेफ बन चुकी हूं मैं। छोले का सी भी आता है बनाते, लोगों को सी बनाने आता है तुमको। गाइस मैंने फाइनली डलगोना कॉफी भी बना ली, इंस्टाग्राम का ट्रेंड भी मैंने फुलफिल कर दिया, अब ये इंस्टाग्राम पे फोटो जाएगी। कभी मम्मी के लिए भी एक कप चाय बना दिया करो, डलगोना बनाएंगी, पहले हक तो लो ना अच्छे से। सो गाइस आज लॉकडाउन डे नंबर 7, 8, 9, 6, 5 डोट की डिश है मेक्सिकन पास्ता, फाइनली ये भी बना लिया मैंने। अरे कभी कुछ सस्ता भी खा लो, तुम्हारे पास्ता के चक्कर में हम रास्ते में आ जाएंगे, पापा की तनख्वाह वैसे ही कम हो गई, पास्ता बनाए खा चल दाल चावल। अबे यार मम्मी क्या यार नखरे बड़े हैं मैडम जी के, सुनना चाहते हो, देखो मम्मी चाय नहीं कोल्ड कॉफी चाहिए, मम्मी पकौड़े नहीं ब्रेड रोल चाहिए, मम्मी फैन नहीं एसी चाहिए, मम्मी राजेश ने मंगेश चाहिए। हाँ मंगेश लॉकडाउन हटेगा ना तो मैं सोच रही हूँ उसकी सुरेश किराने वाले से ही शादी कर दूँ, शादी जाएगी कुछ हमारा भी भला होगा और इनकी फरमाइशें भी होना बंद होगी हमारे साथ, और हमारा मर्द का बताएं जीवन बर्बाद तो था ही, अभी लॉकडाउन के चक्कर में और हो गया, बस दिन भर टीवी के सामने न्यूज, चाय, व्हाट्सएप, सोना, खाना पीना, न्यूज, चाय, व्हाट्सएप, खाना पीना, सोना, बस। हमारा मर्द भी बड़ा हीरो बन रहा था, बोलता है मास्टर शेफ बन गया, अब बताओ जरा अब हम किचन में नहीं करे जीवन भर तो हम ताना सुनते रहे कि कोई मदद नहीं है, जब खाना चाटना आता है और जब हम बनाने गए, एक तो ऐसे ही कभी जरूरत नहीं पड़ी अम्मा ही बना लेती थी घर में, हमने जाके बनाए वो भी हल्दी का सूप, मोदी जी ने बोला ना अभी आत्मनिर्भर बनो,
उसका सूप कौन बनाता है भाई? बस हम शुरुआत हमने इसी से की है, तो बताओ बुरा किए है का? पूरा चार दिन हमको खाना खाने का मन नहीं किया वो सूप पी के। जो औरतें बोलती हैं मेरा पति मेरी सेवा करता है, बहुत मेरा ध्यान रखता है, मेरे को खाना बना के देता है, लॉकडाउन में मेरी बहुत मदद कर रहा है, सब छलावा इसी वायरस की तरह, बस किसी को सिम्टम्स दिखते हैं और किसी को नहीं दिखते हैं। गाँव के हैं हम, बट फिर भी हमको इतनी अकल है कि कोरोना को खीर चटाने से या गौमूत्र पिलाने से मुक्ति नहीं मिलेगी। और हमारा पति खीर चढ़ाया, कोरोना को खीर चढ़ाया, पूरी चढ़ाया। अरे गौमूत्र में तो 33 जो तत्व है पूरे ब्रह्मांड के वो पाए जाते हैं। जो चाहता हूँ कि सरकार गौमूत्र पे आए और गौमूत्र सबको पिलाए, और बाहर से जो भी आ रहा है उसे गौमूत्र पिलाए। अरे सुनती हो, थोड़ा खीर भी बना लो। खीर से बाबा जी बोल रहे हैं कि कोरोना शांत हो जाए, खीर बना लो उसके लिए थोड़ी। जितना दूध नॉर्मली नहीं यूज होता था अभी यूज हो रहा है, क्योंकि इनको दिन को 10,000 तो पकवान बनाने रहते, अब मैं कोरोना के लिए खीर बना। अब बोल रहे हैं कि गौमूत्र पीने से कोरोना भाग जाएगा, तो बिरजू काका से गौशाला से मंगा क्या, पी लो सब एक एक कप रोज। खुद का तो मल मूत्र साफ कर ले लो कमोट से, गौमूत्र खीर चाटने की बात। न्यूज वालों को भी ये सैफ अली खान को क्यों ले रहे भैया, वो रईस आदमी लोग, उनको क्या जरूरत, हम जैसी पति पीड़ित औरतों से लो ना इंटरव्यू, न्यूज वालों को हम नहीं दिखते। अब भैया जिसका पति सैफ होगा वो तो सेफ ही होगा ना, अनसेफ थोड़ी होगा हमारे जैसे। एक तो हमारे लड़के के बारे में क्या बता, सोने पे सुहागा है। करोड़ों बार भी अगर गंगा स्नान कर लूं, या तो वो कौन है वो उल्लू मनाटी वालों को भी बुला के जादू टोना करा, तब भी गटर या सुअर के जैसे बसाता रहेगा, लेकिन नालायक नहाएगा नहीं। 10-10, 15-15 दिन नहाता नहीं है, कच्छे नहीं बदलता अपने, नहाता है तो गंदे कपड़े बाथरूम से नहीं हटाता। बताओ कौन नहाए? हमारा रोना धोना देख के जो कुत्ता भी परेशान हो गया, स्नो भी देख लेट गया, वो भी यही सोचता होगा कहाँ रोज ये टुकुर टुकुर लगी रहती है। क्या बताए, तू नहीं समझेगा हमारी दिल की बात। हमारे लड़के को ना सेना में भर्ती होना था, पता क्यों? उस दिन छाती चौड़ी करके बोलता है, पापा खाना जरा बाहर से मंगवा लो, चिकन टंगड़ी, जो टंगड़ी पे चंगीटा बजा है ना उसके। अकल नहीं है कि अभी ये टाइम पे घर का खाओ, का जरूरत है बाहर से मंगाने की। दिन भर रात भर 24 घंटे बैठ के वो पबजी खेलता रहे। वैसे पबजी खेलने वालों को दुनियादारी की तो होश था नहीं, अब लॉकडाउन के कारण और ही नहीं पता, उन्हीं का सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है जो अभी पबजी खेलने। अरे यार मम्मी आपको पता भी है, एलीट पास लिया है मैंने, इतने पैसे खर्च किए हैं, केडी भी तो बढ़ानी है। बड़ी बड़ी बातें करेगा और खुद अपनी असल लाइफ में जीरो, नील बटा सन्नाटा है सन्नाटा। क्या क्या सपने देखे थे मैंने कि मेरा लड़का नाम करेगा, क्या क्या काम करेगा, लेकिन जे सोना दे जबरदस्ती 9 महीने मैंने ना समय बर्बाद किया इस नालायक को पैदा करने के, बैठ के नाक की गूजी निकालता रहेगा, छोटी बड़ी गेंदे बना बना के घर में फेंकता, पता नहीं किस पे गया। मेरे मेरे घर वालों पे तो बिल्कुल लक्षण नहीं गए, इन्हीं के घर वाले इनके ऊपर ही गया है। दलिंदर कहीं का, क्या कोई नाक की गूजी फेंकता है क्या घर में, पूरी गोल गोल बना बना के। बात बताए, हमारे ससुर जी जो है ना बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, वो भी कम नहीं है। अरे अब जब चाइना के बगल में अपन है तब कुछ नहीं हुआ, ज्यादा केस आए नहीं, दूर के देशों में देखो कितने केस आए, देखो कुछ नहीं होगा यार, थोड़ा बहुत होगा, ज्यादा से ज्यादा संभाल लेगी इंडिया, और इंडिया के लोगों की जो तासीर है ना वो भी है बड़ी मजबूत। अब हम कहाँ आजादी के पहले के दिनों की बड़ी बड़ी चीजें देख ली, कोरोना होना हमारा क्या कुछ बिगाड़ेगा, देखो अभी कैसे ताली बजाए और दिया जलाए, देखो कैसे भागता है, ऐसे ऐसे भागेगा कोरोना। हमको थोड़ी इतनी अब चिंता है हमारे जीवन की, होना होगा देखी जाएगी, जी लेंगे। अरे बेटा सुनो, एक काम करो, आज सब्जी रोटी रहने दो, बेटू को बोल के बाहर से चाइनीज मंगाएगा, बड़ा मन कर रहा है यार चाइनीज खा। स्पीड में है कोरोना, 24 घंटे में देश में करीब 10,000 नए मामले, 2,26,000 के पार पहुंचा मुलाकात। आज तो थोड़ी तबीयत सही नहीं लग रही, नासाज सी लग रही है, और हिम्मत भी नहीं हो रही वॉक पे भी जाने की। बेटा वो सब्जी भाजी का कुछ खुद से जुगाड़ कर लो क्या है, और बोल भी रहे हैं न्यूज में बुजुर्गों को जल्दी हो रहा है, ज्यादा ध्यान दे, तो थोड़ा अभी डर लग रहा है,
तो थोड़ा बाहर से खाना वाना कुछ नहीं मंगाना, हम दाल चावल खा लेंगे, दो रोटी एक टाइम की रोटी मिलेगी, खुश हैं उसी में बस। हाँ बेटा थोड़ा देख लो ऑनलाइन, देखो सब्जी वब्जी मिले तो सब्जी मंगा, हम नहीं जा पाएंगे बेटा बैठे। तो भैया इसलिए बोलना है हम कि हाथ है सैनिटाइज करते रहो और साबुन से भी धोते रहो, जितनी बार हो उतनी बार धो, 100 बार 200 बार दिन में धोते रहो। ये हमारे ससुर जी जैसे तानाशाही नहीं कि अरे का होगा हमारा, नहीं भैया किसी को भी कुछ भी हो सकता है। और तो और घर में सर कोई मिल बांट के काम करो, अपनी बीवियों की मम्मियों की मदद करो, सबसे ज़्यादा जे ही अपनी घिसवा रही है काम कर करके, ऊपर से गर्मी ने और दिमाग खराब करके, जे नहीं कि अपना बस गंदगी फैला दी और मम्मियों को परेशान कर, समझे। सर नमस्ते, भाभी जी है क्या घर पे? अरे हम ही हैं मिसेस मिश्रा, पहचाने नहीं क्या? अभी का बता, हमारा भी चाहिए हाल है भाभी, फंस गए लॉकडाउन में, ये लॉकडाउन ने तो जिंदगी खराब कर दी। आओ थोड़ा बड़े दिनों बाद आई हूँ, थोड़ा बतियाते हैं गपे आते हैं अगल बगल वालों में। सो हे क्रेजीज, कैसा लगा तुम लोगों को वीडियो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड एज यू ऑल नो अगर पसंद आया तो लाइक करो शेयर करो। और क्या आपके घर में भी लॉकडाउन में यही सब होता है? क्या आपके घर में भी ऐसे लोग हैं जो 4-4, 5-5 दिन नहीं नहाते? तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड येस प्लीज स्टे सेफ एंड कीप वॉशिंग योर हैंड्स एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। सो आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, टिल देन लव एंड लाइट टू ऑल, बाय।